हेलो वॉचर्स, कहानी की शुरुआत में फ्यूचर के समय को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि धरती में अब सभी तरह की ऊर्जा के संसाधन खत्म हो चुके हैं, इसीलिए लूनार इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने मून पर माइनिंग बेस बनाया है, जिससे कि वो वहां पर हीलियम 3 की माइनिंग कर सके और धरती पे हो रहे ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके। हीलियम 3 धरती पर नहीं पाई जाती है, वो मून पर पाई जाती है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। इसीलिए लूनार इंडस्ट्री ने वहां पर बड़े बड़े हार्वेस्टर्स लगाए हैं, जो वहां पर माइनिंग करते हैं और धरती पर हीलियम 3 को भेज देते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए एक एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजा गया है, जिसका नाम सैम बेल होता है। हर एक एस्ट्रोनॉट का कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और सैम के कॉन्ट्रैक्ट को पूरे होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे होते हैं। इन 3 सालों में सैम कभी भी अपनी पत्नी से लाइव बात नहीं कर पाया होता है, क्योंकि वहां पर लगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब हो चुके होते हैं, जिसको कंपनी न जाने क्यों नहीं बनवा रही होती है। सैम जब मून के लिए निकला था, तब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब वो एक बेटी का बाप बन चुका है। सैम पर वहां पर एक ही साथी है, गर्टी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक रोबोट। लंबे समय से सैम अकेले होने की वजह से हेलुसिनेट करने लगा है। उसे एक लड़की भी दिखाई पड़ती है, जिस वजह से वो अपने हाथ गर्म पानी से जला लेता है। आगे वो गाड़ी लेकर हार्वेस्टर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसको वही लड़की दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो हार्वेस्टर से अंदर जाने की जगह उसी से टकरा जाता है। उसकी गाड़ी टूट जाती है, इसीलिए वो हेलमेट पहन लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो बेस में होता है। गर्टी सैम से पूछता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, क्या एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ याद है? सैम कहता है, नहीं। जिसके बाद गर्टी कहता है, सैम तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जिसके बाद सैम वापस हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो चलने की कोशिश करता है, मगर वो चल नहीं पाता है। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो पहली बार चल रहा हो। जैसे तैसे वो बाहर पहुंचता है और देखता है कि गर्टी किसी से लाइव बात कर रहा होता है, जहां वो लूनार इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल से बात कर रहा होता है। वो लोग नाराज होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से एक हार्वेस्टर, एक रोवर उन्होंने खो दिया होता है। तभी सैम आ जाता है और कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो गर्टी? तो गर्टी कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहता है, वो कंपनी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन सैम रेडी होकर बाहर जाना चाहता है, मगर सारा सिस्टम लॉक होता है। वो गर्टी से कहता है कि मुझे बाहर जाना होगा, बाहर हमारा एक हार्वेस्टर बंद है। गर्टी कहता है कि मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी में भेज देता हूँ। आगे मैसेज का जवाब आ जाता है, उसमें वही 2 ऑफिशियल्स थे जिन्होंने गर्टी से पहले बात किया था। वो कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। हम यहाँ से एक टीम वहाँ पर भेज रहे हैं जो हार्वेस्टर को ठीक कर देंगे। सैम बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर बेस के अंदर एक गड़बड़ी पैदा करता है, जिसको AI गर्टी ठीक कर देता है। सैम कहता है, मुझे बाहर जाकर चेक करना ही होगा गर्टी। लॉक ना खोलने के आदेश होते हुए भी सैम के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से गर्टी लॉक खोल देता है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर हार्वेस्टर के पास जाता है, जहां उसे एक और एस्ट्रोनॉट दिखाई पड़ता है। उसकी सांसें चल रही होती है, इसीलिए वो उसे उठाकर बेस ले आता है। गर्टी बोलता है कि ये तो सैम है, जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वो अपने हमशक्ल को देखकर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि ये पहले वाला सैम है, क्योंकि उसके हाथ पर जलने की वजह से चोट होती है। आगे धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती है। दोनों को लगता है कि सामने वाला मेरा क्लोन है। दोनों में बहस भी होती है। नए वाले सैम को लगता है कि हो ना हो यहाँ और भी क्लोन होंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर एक्सीडेंट हुआ, अंदर एक सैम जाग गया। इतने कम समय में कोई भी धरती से मून पर नहीं आ सकता है। आगे वो ये भी बताता है कि उसने गर्टी को लाइव धरती पे बात करते हुए देखा है। वो उनके सवालों का जवाब दे रहा था। हो सकता है जानबूझकर सिग्नल्स को जाम कर दिया गया हो, ताकि हम धरती पर कॉन्टेक्ट ना कर सके। आगे धरती से एक मैसेज मिलता है कि रेस्क्यू टीम 11 घंटों में वहां पहुंच जाएगी और हार्वेस्टर को ठीक कर देगी। आगे दोनों बाहर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिग्नल्स को
सच में जाम कर दिया गया है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा एंटीना होता है, जिसके बाद वापस आते ही पहले वाला सैम खून की उल्टियां करने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए सैम कंप्यूटर में पुराने डाटा को ढूंढने लगता है, मगर उसके पास पासवर्ड नहीं होता है, तो गर्टी वहां आकर पासवर्ड डाल देता है। वो वहां बहुत सारे क्लोन्स के वीडियो फुटेजेस को देखता है। वो समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक क्लोन है। उसमें असली सैम की मेमोरीज को इम्प्लांट किया गया था। 3 साल पूरा होते ही उनको नष्ट कर दिया जाता है। सैम ये सच जानकर बहुत दुखी हो जाता है, और जहां पहली बार उसे होश आया था वहां जाकर वो जांच पड़ताल करने लगता है। उसे वहां एक तहखाना दिखाई देता है। अंदर जाने पर वहां उसे कई सैकड़ों क्लोन्स मिलते हैं। वहां पर नया वाला सैम भी आ जाता है, जिसके बाद पुराना सैम रोवर लेकर एक टावर के पास जाता है जहां से सिग्नल्स को जाम किया गया है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो 15 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है और वो असली सैम के साथ अर्थ पर रहती है। ये सब कुछ जानकर पुराना सैम और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। नया वाला सैम वीडियो कॉल के फुटेज को देखकर सब समझ जाता है। वो गर्टी के पास जाता है और एक और क्लोन को जगाने के लिए कहता है। गर्टी मना करता है। वो कहता है कि हमें इसका आदेश नहीं है। सैम कहता है, अगर तुमने एक और सैम को नहीं जगाया तो कुछ घंटों में यहाँ आने वाली रेस्क्यू टीम हमें मार डालेगी। इसीलिए गर्टी एक और क्लोन को ऊपर ले आता है, क्योंकि गर्टी ने मून पर 2 सैम होने की बात को कंपनी से छिपाया था। इनका प्लान होता है कि जिस कंटेनर में ये हीलियम 3 को अर्थ पर भेजते हैं, उनमें से पहले वाले सैम को ये उसी कंटेनर में भेज देंगे। जिसको अभी निकाला है उसको एक्सीडेंट साइट पर रख देंगे। मगर पहले वाले सैम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए वो नए वाले सैम को कहता है, मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम चले जाओ। वो जान चुका होता है कि क्लोन्स की लाइफ सिर्फ 3 साल की होती है, अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए नया वाला सैम पुराने वाले सैम को ले जाकर उसी एक्सीडेंट वाली साइट पर रख देता है और वो वापस आ जाता है। हीलियम 3 के कंटेनर में अब वो खुद को अर्थ पर भेज देगा। इसीलिए गर्टी सैम के पास आता है और बोलता है, मेरी मेमोरीज को मिटा दो, क्योंकि मेरे मेमोरीज में सब रिकॉर्ड है। इसीलिए रेस्क्यू टीम जब यहाँ पे आएगी तो वो सब कुछ जान जाएगी। इस वजह से सैम गर्टी को रिबूट कर देता है और लॉन्च कमांड देकर अर्थ के लिए निकल जाता है। उसे जाते हुए एक्सीडेंट साइट से पहले वाला सैम भी देखता है और चैन से आखिरी सांस लेता है। दिखाया जाता है इधर रेस्क्यू टीम आ चुकी है और उनको एक्सीडेंट साइट पर पुराना वाला सैम मिलता है, जो कि अब मर चुका होता है। एक नया सैम भी मिलता है जिसे गर्टी ने जगाया था, जिसे वहां क्या हुआ कुछ भी पता नहीं होता है। आगे वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है कि सैम ने धरती पर पहुंचकर पूरा भांडा फोड़ दिया है, जिससे कि पूरे विश्व को पता चल गया है कि लूनार इंडस्ट्री लोगों की क्लोनिंग करके मून पर काम करवा रही है, जिससे कि कंपनी का बहुत नुकसान होता है और शेयर प्राइस मार्केट में गिर जाती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, मून की कहानी हमें आइसोलेशन, लोनलीनेस और ह्यूमन क्लोनिंग के एथिकल क्वेश्चन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी दिखाता है कि कैसे एक कॉरपोरेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ह्यूमन एथिक्स और मोरालिटी को इग्नोर कर सकती है। मूवी का सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या इंसानी क्लोनिंग एथिकल है, और अगर एक क्लोन को मेमोरीज और आइडेंटिटी दे दी जाए तो क्या वो इंसानी राइट्स और आज़ादी का हक रखता है। तो दोस्तों, ये थी मून मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।